हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम कैलकेरियस स्केलेटन्स के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हमने यूनियो के स्केलेटन के बारे में स्टडी की थी। आज के वीडियो में हम कैलकेरियस स्केलेटन का जो लास्ट टॉपिक है अपना, एस्टेरियस का जो स्केलेटन है उसके बारे में पढ़ना है। एस्टेरियस जिसको कॉमनली हम लोग स्टारफिश भी बोलते हैं, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। अब स्टारफिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि पांच लिम्स मौजूद होती है, इसका जो शेप और स्ट्रक्चर है वो स्टार की तरह लगता है देखने में, इस कारण से स्टारफिश बोलते हैं। स्टारफिश सबसे पहली चीज़ तो इकाइनोडर्माटा फाइलम का मेंबर है, ठीक है। अगर स्टारफिश की बात करें तो इट बिलोंग्स टू फाइलम इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा फाइलम का मेंबर है, मैराइन ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि समुद्री जीव है, समुद्र में पाया जाता है। मैराइन ऑर्गेनिज्म है, फाउंड इन शैलो कोस्ट सी, मतलब कोस्टल एरिया में पाया जाता है। गहरे समुद्र के अंदर पाया जाएगा। पहला तो हो गया फाइलम इकाइनोडर्माटा का मेंबर है और मैराइन ऑर्गेनिज्म होता है, कम्प्लीटली मैराइन ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। जो एंडोस्केलेटन है, यहाँ पे स्केलेटन के बारे में हमें पढ़ना है, और जो एंडोस्केलेटन है स्टारफिश का वो बेसिकली मेसोडर्म से ओरिजिनेट हुआ रहता है। जो जर्मिनल लेयर होती है मेसोडर्म, उससे ये बना हुआ होता है। तो स्केलेटन ऑफ स्टारफिश इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, मेसोडर्म का बना हुआ होता है। स्टारफिश का जो स्केलेटन है वो मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है। अब एंडोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो छोटे, अच्छा एक चीज़ याद रखना, यह कैलकेरियस स्केलेटन की बात हो रही है क्योंकि कैल्शियम यहाँ पे डिपॉजिटेड होगा स्केलेटन के अंदर। जो भी स्केलेटन होगा वो कैल्शियम का बना हुआ होगा, इस कारण से इसको कैलकेरियस स्केलेटन बोलते हैं। अब कैल्शियम की डिपोजिशन होगी तो एंडोस्केलेटन की अगर अपन बात करें, यहाँ पे इनके एंडोस्केलेटन की बात करें अगर, तो ये किससे बने होंगे? बहुत सारे छोटे छोटे प्लेट टाइप के स्ट्रक्चर, कैल्शियम के प्लेट, छोटे 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 कैल्शियम के प्लेट टाइप के स्ट्रक्चर जिसको ऑसिकल्स बोलते हैं, उनसे मिलकर ये बने होंगे, ठीक है। एंडोस्केलेटन इज कंपोज्ड या कॉन्स्टिट्यूटेड बाय न्यूमरस टाइनी कैलकेरियस प्लेट्स, बहुत सारे छोटे छोटे कैलकेरियस प्लेट्स से मिलके बने हुए होते हैं। कैलकेरियस प्लेट्स, बहुत सारे छोटे छोटे कैलकेरियस प्लेट्स से मिलके बने हुए होते हैं ये एंडोस्केलेटन इनके। और ये जो कैलकेरियस प्लेट्स हैं इनको अपन क्या बोलते हैं? ऑसिकल्स, ठीक। टाइनी कैलकेरियस प्लेट्स नोन एज ऑसिकल्स, आप ये लिख लो कि ऑसिकल्स बोला जाता है। प्लेट्स मैं लिख देता हूँ यहाँ, नोन एज ऑसिकल्स, ऑसिकल्स बोला जाता है। अब इसके आगे अगर अपन बात करें तो ये टर्म याद रखना, ऑसिकल, यही सबसे ज़रूरी है। अगर स्टार फिश की बात करें तो सबसे ज़रूरी पॉइंट यही है कि ऑसिकल क्या होता है। तो ऑसिकल छोटे छोटे इनके एंडोस्केलेटन, जो पूरा इनका एंडोस्केलेटन है वो छोटे छोटे ऑसिकल से मिलके बना हुआ होता है, ठीक। अब इसके बाद ये जो ऑसिकल है, दिस ऑसिकल इज सिक्रीटेड बाय डर्मिस। स्किन की लेयर होती है डर्मिस, बाहरी लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस होती है, अंदर की लेयर डर्मिस हो गई। तो ये जो डर्मिस की लेयर है वो सिक्रीट करती है इस ऑसिकल्स को, ये कैलकेरियस प्लेट्स को डर्मिस की लेयर जो है वो सिक्रीट करती है। इनकी जो बॉडी की सबसे बाहर की लेयर होगी वो कौन सी होगी? एपिडर्मिस होगी, सबसे बाहर वाली लेयर, उसके नीचे होगी ये डर्मिस की लेयर। अब इसके बाद अगर अपन देखें तो
लोकेशन इनका यही हुआ क्योंकि डर्मिस सिक्रीट करती है, तो डर्मिस के बाहर ये मौजूद रहेंगे। तो आउटर लेयर ऑफ डर्मिस, इनका अगर लोकेशन की बात करें तो ये डर्मिस के बाहरी पोर्शन पे मौजूद रहेंगे, लोकेटेड एट आउटर रीजन ऑफ डर्मिस। डर्मिस के आउटर रीजन पे, बाहरी पोर्शन पे ये प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद ऑसिकल्स की अगर अपन बात करें तो अलग अलग शेप या अलग अलग फॉर्म्स में पाए जा सकते हैं। ये स्पाइंस की तरह भी दिख सकते हैं, ये रॉड की तरह भी दिख सकते हैं, ये कोन की तरह भी दिख सकते हैं। तो अलग अलग शेप में ये पाए जा सकते हैं बॉडी के अलग अलग जगहों पे। ऑसिकल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के पाए जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्पाइन के फॉर्म में भी मिल सकते हैं, ये कोन के फॉर्म में भी मिल सकते हैं, और ये रॉड के फॉर्म में भी मिल सकते हैं एस्टेरिया के बॉडी के अंदर। उसके आगे अगर अपन देखें तो ऑसिकल्स जो है वो एक डिफिनाइट फिक्स पैटर्न में अरेंज होकर रहते हैं। जाहिर सी बात है, एंडोस्केलेटन बनाना है अगर, तो एंडोस्केलेटन का एक तो बेसिक काम होता है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। अगर ये एक फिक्स पैटर्न में नहीं अरेंज होंगे तो स्टार फिश को वो स्टार वाला स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि इनका एक फिक्स पैटर्न में अरेंज हो ये। अगर ये फिक्स पैटर्न में अरेंज नहीं होंगे तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे बॉडी को। दे आर मतलब ऑसिकल्स के बारे में बात हो रही है। दे आर अरेंज्ड इन अ फिक्स पैटर्न, एक फिक्स पैटर्न में अरेंज्ड रहते हैं, तब जाके बॉडी को डेफिनेट शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है। टू फॉर्म अ कंपोजिट एंडोस्केलेटन, एक फिक्स स्ट्रक्चर में मौजूद रहते हैं, फिक्स पैटर्न में मौजूद रहते हैं। इसी पैटर्न के कारण, इसी अरेंजमेंट के कारण स्टारफिश को उनका जो यूनिक स्टार शेप है वो मिल पाता है। उसके आगे अगर अपन देखें, दो ऑसिकल्स हैं वो एक दूसरे से जॉइन रहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ की मदद से, ठीक है। ऑसिकल्स आर जॉइंड टुगेदर बाय, चूंकि ज्वाइन कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, अब ये जो ऑसिकल्स ज्वाइन होंगे तो बहुत सारे ऑसिकल ज्वाइन होते 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 एक जाल नुमा स्ट्रक्चर बना लेंगे, जाल की तरह, रेटिकुलेट की तरह स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है। तो बहुत सारे ऑसिकल कनेक्टिव टिश्यू की मदद से जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद ये एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, एक जाल की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, एंड फॉर्म ए रेटिकुलर स्ट्रक्चर। एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर ये बनाएंगे। तो इतनी चीज़ें तो आई होप कि आपको पहले समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ऑसिकल्स बहुत ज़रूरी है, ऑसिकल ही मेन कंपोनेंट है जो कि एस्टेरिया का एंडोस्केलेटन बनाता है। कई सारे ऑसिकल्स मिलते हैं, एक फिक्स पैटर्न में अरेंज होते हैं, तब जाके एक फिक्स स्ट्रक्चर या शेप मिलता है। ये जो ऑसिकल्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं वो एक कनेक्टिव टिश्यू की मदद से जुड़े रहते हैं, और बहुत सारे ऑसिकल्स जब कनेक्टिव टिश्यू की मदद से जुड़ जाते हैं तो एक जाल की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक नेट की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक। उसके बाद अगर अपन देखें जो ऑसिकल्स है, लोकेशन तो हमने बताई दी थी कि आउटर रीजन ऑफ डर्मिस होता है, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। एक चीज़ और लिख लो, डर्मिस के ऊपर तो होता है, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ठीक नीचे और डर्मिस के ऊपर। एपिडर्मिस की लेयर होती है सबसे बाहर, उसके ठीक नीचे प्रेजेंट रहता है। तो ये जो लोकेशन है इसका ऑसिकल का, वो जस्ट बिलो द एपिडर्मिस है और डर्मिस के ठीक ऊपर है। उसके बाद अगर अपन देखें तो दो ऑसिकल्स के बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है।
दो ऑसिकल्स के बीच में, भले ही ये दोनों ज्वाइन किए हुए कनेक्टिव टिश्यू से, फिर भी इन दोनों के बीच में एक गैप, एक स्पेस मौजूद रहता है, उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट रहता है जिसको अपन पैप्यूली बोलते हैं। दो ऑसिकल्स के बीच में स्पेस मौजूद रहता है जिसमें रेस्पिरेटरी पार्ट या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं जिसको अपन पैप्यूले बोलते हैं। फ्रॉम द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन two adjacent ossicles दो ऑसिकल्स, दो बगल बगल के आजू बाजू के ऑसिकल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? पैप्यूले, PAPULAE, रेस्पिरेटरी ऑर्गन पैप्यूले इज प्रेजेंट। तो जो स्पेस मौजूद रहता है दो ऑसिकल्स के बीच में, उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है पैप्यूले, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है पैप्यूले, वो प्रेजेंट होता है। स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट ऑसिकल्स, उसके बीच में रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है प्रेजेंट रहता है जिसको अपन पैप्यूले बोलते हैं। ये याद रखना कि इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, ये ज़रूरी पॉइंट है। ठीक है, इतने पॉइंट्स तो आई थिंक आपने लिख लिए। उसके बाद एक ऑसिकल के बारे में बात करनी है जिसको अपन एम्बुलेक्रल ऑसिकल बोलते हैं। अब एम्बुलेक्रल ऑसिकल प्रेजेंट कहाँ होता है? ये प्रेजेंट होता है एम्बुलेक्रल ग्रूव में। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, आई होप कि आपने लिख लिया होगा, और नहीं लिखा तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। एम्बुलेक्रल ऑसिकल्स के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं जो कि एम्बुलेक्रल ग्रूव में मौजूद रहता है। एम्बुलेक्रल ऑसिकल और इसके साथ साथ एम्बुलेक्रल स्पाइंस, क्योंकि ऑसिकल जो है वो स्पाइन शेप में पाए जा सकते हैं, उनको एम्बुलेक्रल स्पाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले तो एक तो एम्बुलेक्रल ग्रूव के बारे में अगर अपन बात करें तो जो स्टार फिश के लिम्ब्स हैं, स्टार फिश के जो लिम्ब्स, आपको पांच लिम्ब्स दिखेंगे, बीच में ओरल कैविटी रहती है और उसके बाद जो पांच लिम्ब्स होते हैं उसमें एक डिप्रेशन जाता है। डिप्रेशन मतलब एक गड्ढा, उस गड्ढे को अपन ग्रूव बोलते हैं, और स्टार फिश के केस में हम उसे एम्बुलेक्रल ग्रूव बोलते हैं। ठीक है, तो एम्बुलेक्रल ऑसिकल जो है उस ग्रूव में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें तो जो अपर ओरल सरफेस है, ओरल सरफेस की अभी बात की थी, ओरल सरफेस से लिम्ब्स निकलते हैं, वो एम्बुलेक्रल ग्रूव होते हैं। तो अपर ओरल सरफेस में जो स्टारफिश की बॉडी में अपर ओरल सरफेस है, वहाँ पे जो ऑसिकल्स हैं वो अनइवनली अरेंज रहते हैं, मतलब कि कोई फिक्स पैटर्न नहीं रहता वहाँ पे। अपर ओरल सरफेस की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि अनइवन अरेंजमेंट ऑफ ऑसिकल्स, ऑसिकल्स जो है सही से एक फिक्स पैटर्न में अरेंज नहीं रहे, नहीं किए हुए होंगे, अगर अपर क्या कहते हैं ओरल सरफेस की हम बात करें तो। उसके बाद अगर जो लोअर ओरल सरफेस है वहाँ पे अरेंजमेंट जो है वो अच्छी रहेगी या फिर फिक्स्ड अरेंजमेंट रहेगी लोअर ओरल सरफेस की बात करें तो। लोअर ओरल सरफेस की अगर अपन बात करें तो लोअर ओरल सरफेस में क्या होगा, ऑसिकल्स जो हैं अरेंज रहेंगे माउथ के पूरे साइड,
अरेंज्ड अराउंड माउथ, माउथ की जो ओपनिंग होगी उसको घेर के ऑसिकल्स जो हैं वो यहाँ पे अरेंज रहेंगे, ठीक है। और एम्बुरेक्रल ग्रूव जो है वहाँ पे एक रेगुलर पैटर्न शो करेंगे एंड अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न इन एम्बुलेक्रल ग्रूव। ग्रूव का मतलब गड्ढा, डिप्रेशन। तो एम्बुलेक्रल ग्रूव के अंदर ये जो स्पाइंस हैं, ये जो ऑसिकल्स हैं, वो एक फिक्स पैटर्न में अरेंज किए हुए रहेंगे। अब उसके बाद अगर अपन बात करें कुछ फाइन प्लेट्स लाइक जो ऑसिकल्स होते हैं जिन्होंने यहाँ पे माउथ को घेर के रखा था, ठीक है, जिन ऑसिकल्स ने माउथ को घेर के रखा था उसको अपन ओरल ऑसिकल्स बोलते हैं, अरेंज्ड अराउंड माउथ। तो जिन ऑसिकल्स ने माउथ को घेर के रखा था उसको अपन क्या बोलते हैं, ओरल ऑसिकल। माउथ रीजन पे जो भी ऑसिकल्स प्रेजेंट होंगे उनको अपन ओरल ऑसिकल बोलेंगे। उसके अलावा एक और एपर्चर, एपर्चर का मतलब होता है एक ओपनिंग, एक ओपनिंग जो है वो प्रेजेंट रहेगी जिसको अपन एम्बुलेक्रल पोर बोलते हैं। एन एपर्चर इज प्रेजेंट, एक एपर्चर प्रेजेंट रहेगा कॉल्ड एम्बुलेक्रल पोर, ओपनिंग रहेगी, ठीक है, एम्बुलेक्रल पोर। और इस पोर से स्टार फिश के जो ट्यूब फिट्स होते हैं, जो कि इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ट्यूब फिट, लोकोमोशन जब आप पढ़ोगे तो उसमें ट्यूब फिट का काइंड ऑफ लोकोमोशन आएगा, वो ट्यूब फिट जो है निकलते हैं। फ्रॉम दिस पोर ट्यूब फिट इज ओरिजिनेट्स, अ ट्यूब फिट प्रोजेक्ट आउट। ट्यूब फिट जो होता है स्टार फिश के आर्म्स, अगर देखो ये स्टार फिश का अगर आर्म है पांच, ठीक है, तो उसमें एक आर्म पे दो 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 पेयर में ट्यूब फिट्स मौजूद रहेंगे। ऐसा एक आर्म है, इस एक आर्म पे क्या होगा, बहुत सारे पेयर ऑफ ट्यूब फिट्स मौजूद रहेंगे। ये ट्यूब फिट्स जो होते हैं इनके वाटर वेस्कुलर सिस्टम से कनेक्टेड रहते हैं, और ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है पानी को अंदर लेके जाता है, और उस पानी के मूवमेंट के कारण ट्यूब फिट की हेल्प से ये जो स्टारफिश है ये मूव करते हैं। ये अलग टॉपिक है, बट बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि एम्बुलेक्रल ऑसिकल जो कि एम्बुलेक्रल ग्रूव में पाए जाते हैं, और उसके अलावा जो भी ऑसिकल्स होते हैं उनको नॉर्मली ऑसिकल्स ही बोला जाता है। कैलकेरियस होते हैं ये, मतलब कैल्शियम से बने हुए होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, स्पाइन शेप के हो सकते हैं, रॉड शेप के हो सकते हैं, कोन शेप के हो सकते हैं। अरेंजमेंट जो होता है इनका इवन भी हो सकता है, अनइवन भी हो सकता है, दैट मीन्स कि ये फिक्स पैटर्न में अरेंज हो सकते हैं और हो सकता है ये फिक्स पैटर्न में अरेंज ना भी हो। तो ये था स्केलेटन एस्टेरियस का या स्टार फिश का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगले वीडियो में हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे, स्केलेटन अभी बाकी है, पर कैलकेरिया स्केलेटन का ये लास्ट टॉपिक था, उसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।